In this video, we are going to discuss about the topic long division of class 10th and class 9th. In both the classes, this is given in the chapter number 2. Hello my awesome students, my name is Naina and welcome to my channel Akshar with Delhi. तो लॉन्ग डिवीज़न हम स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक डिवीज़न से. ये जो बेसिक डिवीज़न आपने अभी तक सीखी हुई है, देन आई एम गोइंग टू टेल यू सम स्टेप्स एंड फॉर फॉलोइंग दो स्टेप्स द लॉन्ग डिवीज़न प्रोसेस इज गोइंग टू बी ईजी एंड सिंपल फॉर यू. सो प्लीज सी द वीडियो टिल द एंड. सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, लॉन्ग डिवीज़न ऑफ क्लास 10th. यही सेम टॉपिक हमारा क्लास 9th में भी है और इसमें क्लास 10th में भी, राइट. टॉपिक का नाम क्या है? डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, और हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे? बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम. पॉलिनोमियल्स मतलब बहुपद और डिवीज़न एल्गोरिथम मींस विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है. तो विभाजन एल्गोरिथम, हम पहले बहुपद का पढ़ने से पहले सिंपल रूल पढ़ते हैं. पॉलिनोमियल्स का डिवीज़न एल्गोरिथम पढ़ने से पहले हम सिंपल भाग देखते हैं कि जब हम सिंपल भाग करते हैं तो हम कैसे करते हैं. अगर मान लीजिए मुझे 9 को भाग करना है किससे? 2 से. तो मैं क्या स्टेप्स सोचती हूँ कि 2 के टेबल पर ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो मेरी 9 से छोटी होगी या 9 के बराबर होगी. यानी कि 2 एकम 2, 2 दुनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, ठीक है. तो हम क्या वैल्यू लेते हैं कि जो वैल्यू 9 से या तो छोटी होगी या 9 के बराबर होगी. यानी कि हम ये वाली वैल्यू ले लेते हैं 2 चौके 8, और 9 में से 8 गए. उसके बाद हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं. तो 9 में से 8 गए कितना आ गया? 1. तो रूल क्या बन रहा है? हमने अपने भाग कब बंद करी? कि जब हमारा रिमाइंडर जो है वो किससे छोटा आ गया? हमारा डिवाइज़र से छोटा आ गया, यानी कि जिससे हम भाग कर रहे हैं, या फिर रिमाइंडर किसके बराबर आ गया? मेरा 0 के बराबर. अगर मान लीजिए मैं 8 को भाग कर रही थी 2 से, तो 2 चौके 8, 2 फोर्स द 8, और शेष फल हमारा या रिमाइंडर हमारा किसके बराबर आ जाता? 0 के बराबर, ठीक है. तो यही सेम रूल हमारा फर्स्ट रूल हो गया ये भाग का, जो कि क्या है कि हमारा रिमाइंडर किससे छोटा होना चाहिए? या तो डिवाइजर से, या फिर रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर. तो यही सेम टू सेम रूल हम अपना बहुपद के लिए या फिर पॉलिनोमियल की डिवीज़न के लिए यूज़ करेंगे कि रिमाइंडर जो है उसकी जो पावर है, क्योंकि अब जब हम भाग करेंगे वो हमारे पास कैसे होंगे? इस तरह से सिंपल. हमारे पास मैथ्स नंबर नहीं होगा. जो बहुपद होगा, पॉलिनोमियल होगा, वो किसके फॉर्म में होगा? एक्स वाई जेड के फॉर्म में. तो जो रिमाइंडर की पावर है वो किससे छोटी होनी चाहिए? हमारी डिवाइज़र की पावर से, या फिर रिमाइंडर किसके बराबर होना चाहिए? मेरा 0 के बराबर, ठीक है. एंड देन जो हमारा सेकेंड रूल है, सेकेंड रूल भी हम अपने नॉर्मल भाग से ही निकालेंगे. सेकेंड रूल हमारा क्या होता है कि जो हमारा ये डिविडेंड है, यानी कि जो डिविडेंड है, इसके लिए नॉर्मल भाग के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डिवाइजर इनटू क्वोशेंट, डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है. यही होता है, यही हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है. अब वो कैसे होता है कि डिवाइज़र जो है, मान लीजिए ये 9 की अगर हम बात करें, तो डिविडेंड क्या है मेरा? 9. डिवाइज़र कितना है? 2 गुना क्वेश्चन कितना है? 4, और रिमाइंडर कितना है? 1. तो 2 चौके 8 और 1 9, तो 9 बराबर किसके आ गया? 9 के. तो ये हमारा किसका रूल होता है? डिवीज़न का. चाहे हम अपने सिंपल भाग करें जो हमने अभी तक पढ़ी है, या फिर हम अपने लॉन्ग डिवीज़न के बारे में पढ़ें, तो भी हमारा रूल जो है वो लॉन्ग डिवीज़न का सेम टू सेम रहेगा, दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है. अब ये तो हो गई डिवीज़न के दो रूल्स की बात. अब बात करते हैं, अब अपने आप भाग को ध्यान से देखिए. जो आप सिंपल भाग करते हैं, सिंपल भाग में क्या क्या स्टेप करते हैं मैंने आपको बताया. एक बार फिर से क्विक रिवीजन कि 2 से छोटा या 9 से छोटा या फिर 9 के बराबर हम एक ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो इससे भाग करने पे आ जाए. उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है कि हमको 9 में से 8 गए 1, और भाग कब रोकनी है? जब वो डिवीज़न की पावर से छोटा आ जाए या फिर 0 के बराबर आ जाए, ठीक है.
या तो डिवाइजर की पावर से छोटे आ जाए रिमाइंडर की पावर, या फिर मेरा रिमाइंडर क्या आ जाए, ज़ीरो आ जाए। तो लॉन्ग डिवीज़न में भी हम ऐसे ही स्टेप्स करेंगे, कुछ भी नया स्टेप हमारा नहीं होने वाला। सो लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। ओके, तो सबसे पहला रूल, स्टेप नंबर वन, हमको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन में अगर हमको ये दिया हुआ है, इसको इससे भाग करना है, यानी कि ये वैल्यू हमारी बाहर आएगी और ये वाली वैल्यू हमारी अंदर आएगी। जैसे हम कहते हैं कि 9 को 2 से भाग कीजिए, ठीक है, तो हम किसको अंदर रखेंगे, 9 को, और 2 हमारा कहाँ रहेगा, बाहर। तो वही रूल यहाँ पर है, डिवाइड दिस बाय दिस, यानी कि x प्लस 2 कहाँ आएगा, मेरा बाहर, और 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो है वो मेरा कहाँ पर आएगा, अंदर, राइट, क्योंकि ये मेरा डिवाइज़र है और ये मेरा क्या है, डिविडेंड है। तो दोनों के लिए, डिवाइज़र और डिविडेंड दोनों के लिए आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप ये स्टेप ध्यान नहीं रखोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी नहीं निकलेगा। तो क्या है इम्पॉर्टेंट स्टेप, कि आपको जो शक्ति है, जो पावर है, जो टर्म लिखनी है, वो कैसे लिखनी है, सबसे पहले सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी। कुछ क्वेश्चंस में आपको ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा करके भी दे देंगे, जैसे कि हमारा अगला पार्ट है, अगले पार्ट में देखेंगे। तो हमें कैसे करना है कि सबसे पहले बड़ी पावर, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप, सेकेंड स्टेप में क्या करना है मुझे, अब जब हम नॉर्मल भाग करते हैं तो हम इस वैल्यू से या तो छोटी देखते हैं या इसके बराबर देखते हैं, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इसके बिल्कुल बराबर वैल्यू लेनी है, राइट। तो अगर तो आप डायरेक्टली सोच सकते हो कि एक्स को किससे गुना करें, यहाँ पे गुना कर रहे थे ना हम, दो को किससे गुना करें कि संख्या इससे छोटी आ जाए या इसके बराबर आ जाए, वही चीज़ यहाँ पर है कि एक्स को किससे गुना करूँ कि मेरे पास संख्या किसके बराबर आ जाए। यहाँ पे बड़ी, बराबर या छोटी देखते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कौन सी देखनी है मुझे, बराबर किसके, 2x स्क्वायर के। अगर तो आप डायरेक्टली सोच सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ कि 2x स्क्वायर को आप किससे भाग कीजिए, x से, ठीक है। अब आपको पता है कि जब 9th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है कि जब शक्ति नीचे है तो ऊपर जाके इसकी क्या हो जाएगी, माइनस, यानी कि 2x 2 माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया मेरा, 2x। तो ये 2x कौन सी संख्या आ गई, कि x को किससे गुना करेंगे अगर, 2x से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, जो 4 आया था इसको ऊपर लिखा था, ऐसे ही अब इस 2x को मैं ऊपर लिखूंगी, और जो ये वाली वैल्यू आई थी वो 9 के नीचे, वैल्यू क्या आई है मेरी, 2x स्क्वायर यहाँ, ठीक है। अब ये हो गया फर्स्ट पार्ट, देन स्टेप 2 का सेकेंड पॉइंट, स्टेप 1 का फर्स्ट पॉइंट, देन स्टेप 2 का सेकेंड पॉइंट, क्या करना है मुझे, अब इस 2 को भी मुझे किससे गुना करना है, 2x से। जितने भी संख्या यहाँ पर लिखी होंगी, हर एक संख्या किससे गुना होगी, 2x से। तो 2 अगर 2x से गुना होगा तो आंसर कितना आएगा, 2 दुनी 4, 4x, और वो 4x कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर, ठीक है जी। अब अगला स्टेप क्या होता है, लिख लिया हमने सारी संख्या, अगर एक और वैल्यू होती तो उसको भी हम 2x से गुना करके यहाँ नीचे लिखते, ठीक है। अगला स्टेप क्या है, मुझे क्या करना होता है, जब 8 लिख लिया तो उसके बाद माइनस का, तो यहाँ भी हमें क्या करना है, माइनस, तो माइनस करेंगे तो सारे साइंस बदल जाएंगे। अब माइनस करते हुए ध्यान रखिएगा कि हमें अपने नए साइन लेने हैं, पुराने साइन भूल जाने हैं, ठीक है। तो कैसे होगा, 2x स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। यहाँ पे क्या आ गया, 3x माइनस 4x, तो आंसर किसका आएगा, माइनस x। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि भाग करने से पहले आपने ये वीडियो देखिएगा कि जहाँ पर मैंने साइंस एक्सप्लेन किए हैं कि कब हमारा प्लस साइन आंसर आता है, कब माइनस साइन, कब हमें प्लस करना है, कब माइनस, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तो ये भाग के क्वेश्चंस आपके इजीली नहीं निकलेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का x, ठीक है। अब नॉर्मल भाग में हम क्या करते हैं, अगर मान लो मुझे 93 को भाग करना होता तो क्या करती, 9 चौके 8, 9 में से 8 गया 1, इतना आ गया शेषफल आ गया, यहाँ तक माइनस करके अगला स्टेप क्या होता है, अगला नंबर उतारना। तो यहाँ पे भी हमको वही करना है,
अगली संख्या ऊपर से उतारेंगे, अगली संख्या क्या है मेरी, प्लस वन। एक एक करके डिजिट उतारते, अगर 934 होता तो पहले तीन, फिर अगले स्टेप में चार। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ अगर कोई और वैल्यू होती तो सिर्फ एक एक करके एक एक संख्या नीचे उतारेंगे, ठीक है जी। अब वापस से मुझे यही वाले स्टेप्स रिपीट करने स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल भाग में भी तो हम यही करते हैं। वापस से अब ऐसी संख्या ढूंढते हैं जो इससे छोटी हो या इसके बराबर हो, यानी कि 2 6 12 माइनस करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1। तो यहाँ पे भी हम वही स्टेप्स फिर से रिपीट करना शुरू कर देंगे। तो क्या करना है मुझे, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको गुना करने पर आंसर कितना आए मेरा माइनस का एक्स। डायरेक्टली निकाल सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, वरना मैंने जो आपको लॉजिक बताया वही लॉजिक रखिए कि 2x² को किससे भाग किया था हमने, x से। ऐसे ही यहाँ पर माइनस एक्स को किससे भाग करना है मुझे, x से। तो x से x कट गया, यानी कि आंसर कितना आ गया मेरा माइनस का 1। ये माइनस का 1 कहाँ लिखना है, जैसे ये 2x लिखा था या नॉर्मल भाग में लिखा, वहाँ कहाँ लिखना है, ऊपर। ये बन जाएगा मेरा क्वेश्चन का पार्ट। x को -1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास आंसर, माइनस का x। इसी तरह से अगला स्टेप क्या बताया था मैंने, कि अब इस 2 को किससे गुना करना है मुझे, माइनस 1 से। तो 2 को अगर हम माइनस 1 से गुना करेंगे तो आंसर कितना आएगा मेरा, माइनस का 2। और वो -2 कहाँ लिखना है, यहाँ पर। देन अगला स्टेप क्या है मेरा, माइनस करना। तो ये माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएंगे, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस और प्लस दोनों कट गए आपस में, क्या बच गया, 1 + 2, 1 + 2, साइन किसका लेना है, प्लस का। तो शेषफल कितना आ गया मेरा, 3। अब आप देखोगे तो 3 के पास जो x की शक्ति है वो कितनी है, 0। जब शक्ति नहीं होती तो हम क्या मान के चलते हैं, शक्ति कितनी है, 0। तो यानी कि ये शेषफल की शक्ति इससे छोटी आ गई, तो यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो मेरा कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया मेरा 3, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, डिवाइड दिस बाय दिस, या फिर इसको इससे भाग कीजिए। तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहला रूल कि हमको अपनी वैल्यू इस तरह से लिखनी है कि बड़ी शक्ति पहले, छोटी शक्ति उसके बाद। ये तो सही है, लेकिन जब इसकी बारी आई तो इसमें आप देख रहे हो कि किस तरह से दिया हुआ है। तो मैं कैसे लिखूंगी, बड़ी शक्ति पहले, छोटी शक्ति उसके बाद, ठीक है। तो अब अपने रूल्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, हमको ऐसे नंबर लेना है कि जो हमारे बराबर हो। वो कैसे लेना सिखाया मैंने आपको, 3x³ को पहली संख्या उठाइए कि उसको किससे भाग कर दीजिए, x² से। तो x² से अगर हम भाग करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, ये शक्ति नीचे है 2 की, 2 प्लस में, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस, 3 - 2। तो 3 में से 2 गया, कितना आ गया मेरा, 1। तो ये क्या आ गया, 3x। तो ये 3x मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, x² को किससे गुना करेंगे, 3x से। तो आंसर कितना आएगा, 3x³, ठीक है, 3x की शक्ति 3। एक बार x² को इससे, फिर 2x को इससे। अब 2x को जब x² को किससे गुना करना है, 3x से, तो कितना आएगा, 3 × 2 = 6 और x की शक्ति 2, तो यानी कि प्लस का 6x². जितने भी नंबर पड़े हैं सबको किससे गुना करते जाओ, 3x से। 1 को किससे गुना करना है, 3x से, तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 3x। और इस 3x को मैं कहाँ लिख दूंगी, यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप क्या है, माइनस करने का। तो तीनों को माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो ये वाली दोनों टर्म्स, एक प्लस की एक माइनस की, आपस में कट जाएगी। अब इन दोनों का आंसर कितना आएगा हमारा सॉल्व करके, x² - -6x² तो आंसर किसका आएगा मेरा, माइनस का 5x स्क्वेयर। इसी तरह से 2x और -3x, ये 2x और -3x, तो आंसर कितना आएगा मेरा, -x,
ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि कई बार ये भाग करते हुए ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की शक्ति सेम ना हो। तो पॉलिनोमियल्स में या बहुपद का रूल क्या होता है कि जब तक शक्ति सेम नहीं होगी तब तक हम उनको प्लस माइनस नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें यहाँ पर टर्म ऐसे ही छोड़ देनी है, कुछ भी नहीं करना उसका, ठीक है। तो अभी इसकी बात करते हैं, 2x माइनस 3x आंसर कितना आ गया मेरा, माइनस का x, माइनस का स्टेप हो गया। अगला स्टेप कितनी वैल्यू ले ली मैंने, माइनस का 5। अब अगला स्टेप क्या करना है, फिर से वही स्टेप्स रिपीट करना है, यानी कि जो यहाँ किया था 3x क्यूब को किससे भाग करके देखा था, x स्क्वायर से, ऐसे ही माइनस 5x स्क्वायर को किससे भाग करेंगे हम, x स्क्वायर से, पहले वाली संख्या से भाग करना है, पहले वाले नंबर से। तो अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, आंसर कितना आ गया, माइनस 5। जो ये नंबर आता है इसको हम क्या बना देते हैं, इसका क्वोशेंट। फिर हर एक वैल्यू को माइनस 5 से गुना, एक्स स्क्वायर को किससे गुना करना है, माइनस 5 से, आंसर कितना आ गया, माइनस का 5 एक्स स्क्वायर, उसको यहाँ लिख देते हैं। फिर 2x को किससे गुना करना है, 2x को किससे, फिर से माइनस 5 से, यानी कि माइनस का 10x, उसको कहाँ, यहाँ लिख देंगे। फिर 1 को किससे गुना करेंगे, माइनस 5 से, तो आंसर कितना आ गया मेरा, माइनस का 5। देन लिख दिया सारा, फर्स्ट और सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप माइनस साइन, माइनस करना, माइनस कैसे करना है, साइन चेंज करके, इससे ये दोनों कट गए। तो यहाँ पे अब क्या बच गया मेरा, माइनस का x और प्लस का 10x, यानी कि 10 में से गए 9, तो कितना आ गया, 9x। और ये दोनों कितने हो जाएंगे, अब इनको काटना मत कि ये प्लस का और माइनस का नहीं, अब ये 5 भी किसका है, प्लस का, तो 5 और 5 कितना आ गया मेरे पास, 10, तो आंसर कितना आ गया, 9x प्लस 10। तो आप देख रहे हो कि जो अब इसकी रिमाइंडर की जो पावर है, रिमाइंडर की जो शक्ति है, वो किससे छोटी आ चुकी है, हमारी डिवाइजर से। तो यानी कि हमारा आंसर यहीं पर आ जाएगा, भाग अब यहीं रुक जाएगी। तो रिमाइंडर कितना आ गया मेरा, 9x प्लस 10। ओके, इफ़ यू फाइंड माई वीडियो यूजफुल फॉर यू, देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर अपडेट्स ऑफ माई न्यू वीडियोज। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू ट्रिक्स ऑफ मैथ्स, सो दैट मैथ्स बिकम ईजी एंड फन फॉर यू। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।